नर्मदा नदी का व्यू दिखा। तो गाइस करेंटली वी आर नॉट गोइंग टू गो अंदर तक। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप लोग। एंड दिस इज़ अवर थर्ड डे ऑफ द ट्रिप। और अभी अभी मतलब थोड़ा है, 2-3 घंटे पहले हम लोग बस मारती अटेंड कर गया है। बहुत मज़ा आ गया, हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया 2-3 घंटे का। और अभी बज रहे 10 और अभी यहाँ से हम लोग ओमकारेश्वर जाने का प्लान है। एक्चुअली काल भैरव का मंदिर भी करने का था आज, बट अभी थोड़ा लेट हो गया है। सो वील फर्स्ट गो ओमकारेश्वर बिकॉज यहाँ से वो 4 घंटे लगेगा हमको जाने और आने में, और 4 घंटे अप्रॉक्स। तो इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं पहले ओमकारेश्वर ख़त्म कर ले, वो इंदौर के साइड है इसके लिए। एंड रिटर्न में अगर टाइम मिला तो काल भैरव कर देंगे या फिर कल काल भैरव जी का मंदिर कर लेंगे, बिकॉज कल हम हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, कल रेस्ट है। आप इंदौर जाने के लिए एक्साइटेड हो ओमकारेश्वर? नहीं, आपको तो पूछा ही नहीं है। और वो ऑरेंज टी शर्ट वाले तो भाई जाने दो, हम तो सदैव ही तैयार होते हैं। उज्जैन से हम लोग इंदौर पहुंच गए और दिस इज़ आवर फर्स्ट हॉल्ट। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नाश्ता करेंगे और इसी के साथ एक और 1 आवर 2 आवर्स लगेंगे इधर से, और 60-70 किलोमीटर है। एंड आफ्टर दैट वी विल बी शोइंग यू ओमकारेश्वर। कार में कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज ये लोग म्यूज़िक बजा रहे, फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इसके लिए गाने सुनने का फील ले रहे थे, सफ़र का फील ले रहे थे। बजने हैं 1:45 और ये नर्मदा रिवर। अब यहाँ से और 25 मिनट लगेगा। कैसा लग रहा है आपको इंदौर आके ओमकारेश्वर अभी थोड़ी देर में? अभी तक तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन दर्शन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके दीप, और स्पेशली बहुत गर्म गर्म हवा खाई है हम लोग ने। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, चटके भी नहीं लगेंगे, फटाक से पहुँच गए। और ये देखो सामने हम लोग जो जा रहे हैं ना, ये पूरे ओमकारेश्वर जगह का दर्शन लेने के लिए वो बोट में जा रहे हैं, बिकॉज जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने ही सजेस्ट किया बोट में जाओ। और फिर इन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, वी थॉट कि बोट में जाना इज़ बेस्ट, बिकॉज वो हमको पूरा अच्छे से दिखाएगा और समझाएगी भी। सो अभी बोट में जा रहे हैं और इनके ही साथ जा रहे हैं, पूरा समझाएंगे ये कितना चार्जेस है ये वो। भैया इसको गौमुखी गंगा बोलते हैं, प्राचीन है ये। इसका जन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, सूरज माता का मंदिर है। माता का मंदिर वहाँ बावड़ी बना है, वहाँ से जमीन से नीचे नीचे आता है। 12 महीने 12 मास इसी रफ्तार से चलता है, कभी बंद नहीं होता है। प्राचीन है, 5000 साल पुराना है। और ये जो नर्मदा परिक्रमा होता है ना, वो यहीं से स्टार्टिंग होता है, पूरा समाप्त घूमने का समाप्त भी होता है। इसका जल छिटना, आप रिटर्न यहाँ उतरोगे तो इसका जल छिटना, जल अर्चन करना, उसके बाद ममलेश्वर दर्शन करना, ठीक है? मेरे को रहता है, ठीक है सर। हाँ, ये अपना बोट आ रहा है वो पीछे वाला, और उन्होंने हमको ये समझाया कि ये जो ओमकारेश्वर मंदिर है ना, उसका आकार ही पूरा ओम शेप में है नर्मदा रिवर का। एंड ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों का दर्शन करते तब जाके एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होता है यहाँ का। अंकल आ गए, पकड़ेगा
ओमकारेश्वर मंदिर फाइनली एक दिन में दूसरा ज्योतिर्लिंग। और अभी यहाँ से पहले हम लोग स्नान करने जा रहे हैं घाट नर्मदा नदी में, फिर आगे चल के आगे का करेंगे। इधर आवाज़ नहीं आएगा बिकॉज मोटर का ही आवाज़ ज़्यादा है। हमारी बोट हमको छोड़ के चली गई है, इधर चटके लग रहे हैं एंड यहाँ पे संगम स्नान करने वाले हम लोग। यहाँ पे थोड़ा पानी में मस्ती करेंगे, डुबकी मारेंगे, हमारे पाप धोएंगे, फिर जैसे ही ख़त्म होएगा अंकल को कॉल करेंगे, अंकल वापस आ जाएगी क्योंकि अपनी प्राइवेट ही बोट है, पूरी बुक्ड है, पूरी बुक्ड है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, इधर तक देखें और भी बाकी है बहुत कुछ देखना, मैं बताता हूँ। बट चटके लग रहे, रुको थोड़ा, मैं थोड़ी देर में बता दें। ये भाई इधर सब पत्थर स्लिपरी है, तो मैं किधर से लाऊं अभी? हटल पीछे हटल। नहीं ये भाई वो चश्मा तो प्लीज अपने हरवर अपने हरवर देखिए ना तू। 1 2 3 कैसा लगा एक नर्मदा नदी में नहा के? अद्भुत आनंद। अभी यहाँ से हम लोग अंकल जैसे ही आएंगे उनको फोन किया था, नहा के हो गया, फ्रेश हो गए, मजा आ गया। थोड़ा स्लिपरी था बिकॉज ऑफ दिस ये ग्रीन। तो ओमकारेश्वर आए हो ना तो ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कैसे होते? ओमकारेश्वर और मबलेश्वर करके एक जगह है, मतलब दोनों शिवलिंग एक साथ करोगे फिर जाके ये ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होता है। और 1500 रुपये हमसे लिए चार जन से प्राइवेट बोट, कोई टेंशन नहीं, वो आएगा हमारे कॉल पे, वो लेके जाएगा हमको पूरा घुमाएगा। 2000 बोला था स्टार्टिंग में, हमने फिर डिस्काउंट किया। सो यस, नर्मदा नदी का व्यू दिखा। नर्मदा नदी में गिरते गिरते बचा, नर्मदा नदी का व्यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो करो जल्दी जल्दी करो, ये बहुत ही अच्छा ब्लॉग है आई नो। तो अगर आप ये सेकेंड स्टॉप है, यहाँ पे आपको बोट छोड़ेगी, तो वहाँ पे आप नर्मदा नदी में नहा के आएंगे ना, तो अभी सेकंड प्लेस है ओमकारेश्वर मंदिर, वहाँ पे छोड़ के स्टेयर्स चढ़ के आना है एंड फिर यहाँ पे से जाना है पूरा उधर तक, वो मंदिर है। लाइन देखो कितनी बड़ी है यहाँ पे, सब लोग 200-500 के लिए VIP एंट्री करवा रहे हैं, 100-200 रुपये 300-300 रुपये पर पर्सन। तो यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा ट्राई करना कि ये लोग के पास से ना जाए, क्योंकि 300-200 रुपये दे रहे हैं और मेरे ख्याल से जान उसके लाइन को वेट भी करवा रहे हैं क्योंकि इनको भी पैसा कमाना है ना, तो 200-300 रुपये पर पर्सन का। ये देखिए, तो गाइस करेंटली वी आर नॉट गोइंग टू गो अंदर तक बिकॉज बहुत ही रश है। ये देखो इतना सारा लाइन है और ऊपर से ये लोग है ना बाहर से ही VIP एंट्री के लिए इतने बोलना नहीं चाहिए बट बैगर्स के जैसे मांग रहे, 300-200 रुपये सबको लेके जा रहे हैं, पैसे कमाने के धंधे बना दिए। अभी मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, सो इट्स बेटर हम लोग इधर तक आ गए, बड़ी बात है, हम लोग यहाँ पे ही दर्शन कर लें, इधर से ही मंदिर के अंदर करें बाहर करें, इधर तक पहुँच गए वही बड़ी बात है। अभी इधर से हम लोग आगे घूमते बिकॉज टाइम इशू भी है, 3 घंटे इधर रुकेंगे फिर 4 घंटे जाने को लगेंगे, हम लोग को रात हो जाएगी, इसके लिए हम लोग इधर से ही दर्शन कर रहे हैं, इधर से ही जा रहे हैं। हर महादेव ओंकारेश्वर भी डन, आगे थोड़ा सर्च, आगे थोड़ा और घूमना बाकी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या घूम सकते हो। बाकी आप यहाँ पे 300-400 रुपये दे के VIP लाइन में जा सकते हो, बट वी थॉट कि वो अभी के लिए अच्छा ठीक बात नहीं है कि इधर आके फिर 800-400 दे के चले जाओ, वो भी एक जन का, तो इसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं घर। चलो
गाइज मैं ब्लॉग को एंड करना ही भूल गया बिकॉज हम लोग ने ओंकारेश्वर पूरी तरीके से कंप्लीट किया ही नहीं। हम लोग एक्चुअली मंदिर में अंदर तक गए ही नहीं, जैसे कि मैंने कहा हमको बाहर से ही देखने मिला। एंड उसके बाद मेरे फ्रेंड दो फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई, उसमें से एक विवेक तो अभी भी मैं रूम में ही है, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है, खाली हल्का सा बुखार और वीकनेस आ गया, थकान हो गया। सो उसको सुला दिया है, हम लोग इधर खाने आए होटल में, अभी इधर से खा लेंगे, फिर उसके लिए भी पार्सल लेना है और मिलते हैं अगले से नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कर दो, बहुत मेहनत की है, इतना दूर गए, आज का पूरा दिन चले गया यही काम किया। सिंपल है, कुछ लोगों के साथ सिर्फ वक्त बिताने से सब कुछ सही हो जाता है।